अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक वाइन यूट्यूब चैनल। आज आपको इस वीडियो में ये सिखाया जाएगा कि आप फेसबुक का अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के लिए आप सबसे पहले फेसबुक के ऐप को ओपन करें। एंड्रॉयड में सेम मेथड है और कंप्यूटर में तो काफ़ी इजी होता है। तो ओपन करने के बाद नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज शो हो जाएगा। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद आपने इधर नेम अपना टाइप करना है, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे शो करें अपना फुल नेम। फुल नेम टाइप करने के बाद जैसे मैंने किया ऐसे ही आपने करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। फिर ये आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लगाएं और फिर आपका जेंडर यहाँ पे ये पूछेगा। तो यहाँ मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे। यहाँ पे ये आपको कहेगा कि नंबर या ईमेल जिसके थ्रू आप लॉगिन होंगे या जो आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं ईमेल पे क्लिक करने के बाद अपनी ईमेल टाइप करता हूँ यहाँ पे। ईमेल टाइप करने के बाद जब ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको इसका कंफर्मेशन कोड भेजा जाएगा, नहीं तो आपका अकाउंट तब तक एक्टिव नहीं होगा। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ये कहेगा अपना पासवर्ड क्रिएट करें। और मैं यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के बाद ये फिनिश पे क्लिक करता हूँ और ये अब चेक कर रहा है सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ पर टाइप की, और ये थोड़ा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट बन चुका है लेकिन ये एक्टिव नहीं हुआ। कई लोग बनाने के बाद एक्टिव नहीं करते। यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी स्किप पे टाइप क्लिक करूँगा और ये फ्रेंड बनाने का बोल रहा है और यहाँ पे अभी भी स्किप, और यहाँ पे ये कन्फर्मेशन कोड का बोल रहा है कि जो मैंने ईमेल यहाँ पे इनको दी थी वहाँ पे कंफर्मेशन कोड आया। तो मैं ब्राउज़र में जाके मैं अपना कोड देखता हूँ। आपने भी सेम इसी मेथड से बिल्कुल इसी तरह देखना है। और ये मेरा कोड है, मैं वापस आके अपना कोड टाइप करता हूँ 85928 और एंटर करने के बाद ये कह देता है कन्फर्म्ड। अब इस वक्त मेरा अकाउंट एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया है कि आप वेलकम टू फेसबुक। ये मेरी प्रोफाइल है इस वक्त। यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल पिक और जो बैक पे कवर फ़ोटो होती है वो भी। तो अभी ये कह रहा है सेटअप कर लें अपनी प्रोफाइल, तो आप कर लीजिएगा। ये इसका इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ से आप प्रोफाइल कर सकते हैं, अपलोड पिक्चर, यहाँ से एडिट करके आप अपनी बायो टाइप कर लें और नीचे लिंक्स लगा सकते हैं आप अपने और अकाउंट्स के। तो ये काफ़ी इजी है। अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पे मेन्यू में आएं और फिर सेटिंग और प्राइवेसी में, इसमें जाने के बाद आप पर्सनल एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन में आप अपने अकाउंट को सिक्योर करें। सबसे टॉप पे इस पे क्लिक करने के बाद आप थर्ड नंबर पे आइडेंटिटी कंफर्मेशन, आप यहाँ से अपने अपना कंफर्म कर सकते हैं अकाउंट, यहाँ से आप सिक्योर हो जाएंगे। और फिर सेकंड नंबर पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, फर्स्ट नंबर पे चेक योर इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी, इसमें जाएं आप, चेंज पासवर्ड भी यहाँ से हो सकता है, यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट कर लें। तो इससे फिर आप किसी भी डिवाइस में लॉगिन करते हैं तो ये टेक्स्ट मैसेज सेकंड नंबर पे जो है इसको सिलेक्ट कर लें। तो जब तक आपके नंबर पे कोड नहीं आएगा फेसबुक की तरफ से, तब तक उस डिवाइस में आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो सकता। तो ये सिक्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो फिर आप डिवाइस मतलब जिनमें आप लॉगिन कर लेंगे ऑन करने के बाद, तो वो यहाँ पर शो होंगी ऑथोराइज लॉगिन में, यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। और ये जहाँ जहाँ आप लॉगिन होंगे यहाँ से आप ये देख सकते हैं
सी ऑल पे करके। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे आपका अकाउंट काफ़ी सिक्योर हो जाता है। इसके बाद आप ये रिकमेंड कर रहे हैं सबसे टॉप पे, चेक योर इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आप आके लॉगिन अलर्ट्स है फर्स्ट नंबर पे, आप ये ऑन कर लें। फेसबुक पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, ये ऑन कर लें। और सेकंड पे ईमेल एड्रेस पे भी आपको आ जाएगा, मुझे भी नोटिफिकेशन आ गया। कहीं पे भी आप लॉगिन होंगे तो आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन से पहले आ जाएगा। और ये यहाँ पे आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लें, ये भी आपको एडवाइस कर रहे हैं। तो ये सब करने के बाद आपका अकाउंट काफ़ी सिक्योर हो जाता है। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आया या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। अगर इस वीडियो की वजह से आपकी हेल्प हुई है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।